हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में अपन कुछ चीजों को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। इसमें अपन जानेंगे कि वैलिड पुलबैक क्या होता है एंड इसके माध्यम से आप कैसे एंट्री एंड एग्जिट प्लान वगैरह डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्हीं सारी चीजों को लेकर अपन प्रॉपर डिस्कशन वगैरह करेंगे। तो आपके सामने ये जो इमेज दे रखी है, इसमें सिक्स ड्रॉइंग दे रखी है। इन सिक्स ड्रॉइंग में से आपको जो बेटर लगेगी उसी तरीके से आप ट्रेडिंग प्लान अपना सेट करिएगा एंड कैसे इन सभी ड्रॉइंग्स के माध्यम से आप सारी की सारी चीजें कंसीडर कर सकते हैं, जिससे आपका बॉस, स्टॉक, आईडीएम वगैरह आप कंसीडर कर पाएंगे, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर आपको समझने को, देखने को मिलने वाली, ठीक है। तो इस वीडियो में अपन सारी चीजों को वन बाय वन करके कंसिडर करेंगे, तो आप देखते रहिए। तो सबसे पहला जो इमेज है इसको अपन समझते हैं, ठीक है। इसको तो इसमें क्या दे रखा है कि फर्स्ट कैंडल ये, सेकंड कैंडल ये हो गई आपकी, थर्ड कैंडल ये हो गई और फोर्थ कैंडल ये हो गई, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे एक ही चीज ध्यान रखनी है, जब आपका मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा हो, ठीक है, अप ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, डाउन ट्रेंड की भी करेंगे अभी। जब आपका मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा हो और आपकी ये कैंडल बनती है, ये वाली, ठीक है, ये कैंडल बनने के बाद आपको लगता है कि आपके मार्केट ने एक रेड कैंडल बना दी है, रेड कैंडल या ग्रीन सॉरी ब्लू कैंडल है, ठीक है। तो अगर आपके मार्केट ने एक ऐसी कैंडल बनाई है यहाँ पे, रेड या ग्रीन जो भी आप समझे, तो वो जो उसके रीसेंट वाली जो कैंडल होगी, अगर उसका लो ब्रेक कर देती है, यहाँ पर कैंडल स्वीप नहीं होनी चाहिए, कैंडल क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर आपका मार्केट कुछ इस तरीके से अप जा रहा है, देन एक ऐसा कैंडल आता है जो यहाँ पे लास्ट वाली कैंडल को ब्रेक कर देती है, नेक्स्ट कैंडल। तो आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब भी ये लास्ट वाला यहाँ पे लो ब्रेक होगा तो इसका हाई भी ब्रेक होना जरूरी है। अगर ये हाई ब्रेक कर देता है तो देन उस केस में क्या होगा, उस केस में यहाँ पे दो चीजें होगी, ये कि आपका मार्केट का जो सिनेरियो कुछ इस तरीके से रहेगा, तब आप इसको कर पाओगे क्या, बॉस, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये आप जो बॉस बोलते हो, ठीक है। ये एक छोटा सा पुल बैक है, इन्हीं के माध्यम से आप एंट्री एंड एग्जिट लेना बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, राइट। तो ये आपका फर्स्ट पुल बैक हो गया, रियल पुल बैक है ये, ठीक है। मैं आपको इसको दूसरे तरीके से ड्रॉ करके भी समझा देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। समझिए कि आपका मार्केट कुछ इस तरीके से अप जा रहा है, ठीक है। तो अप जाने के लिए क्या होगा, यहाँ पर कोई एक ऐसी कैंडल है, ठीक है, जिसको क्या करता है कि ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, ठीक है, रेड कैंडल यहाँ पे समझ लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका मार्केट क्या करेगा कि ये जो कैंडल है इसके लो को यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो इसका हाई जो भी होगा, इसको चाहे ये तो ब्रेक करे, चाहे नेक्स्ट कैंडल, जितनी भी नेक्स्ट कैंडल क्लोज करेगी, ये यहाँ पर एक पुल बैक के तौर पर कंसिडर किया जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी धीरे धीरे। अभी पहले मैं आपको ये छह इमेज क्लियर कर देता हूँ। सेकंड इमेज में क्या है, सेम चीज है, मार्केट आपका अप गया, मार्केट ने फर्स्ट कैंडल की ऊपर वाले की लिक्विडिटी ले ली, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। बट मार्केट ने क्या किया, नीचे वाली जो कैंडल है इसका लो ब्रेक कर दिया। ये अपने को जरूर देखना है कि अगर आपका मार्केट अप में जा रहा है तो मार्केट का लो ब्रेक होना बहुत नेसेसरी है, ठीक है। तो मार्केट ने जैसे लो ब्रेक किया तो अगली कैंडल ऊपर गई, यहाँ पे भी स्वीप नहीं हुआ, बट इस कैंडल पे आके, फाइनल कैंडल पे आके यहाँ मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ये यहाँ पे भी नहीं करता, यहाँ करते तो भी कोई इश्यू नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये अपना एक कंप्लीट पुल बैक बन जाता, ठीक है। पुल बैक का मतलब ये होता है कि मार्केट ने कहाँ पे डाउन जाने का प्रयत्न किया या कहाँ पे हाई एंड लो मार्क किया, ठीक है। अगर मैं इसको डायरेक्ट सिनेरियो देखूं तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा लो पॉइंट हो गया, हाई जा रहा है मार्केट, तो इसको हायर लो लिख दो और ये हायर हाई हो गया, ये हायर आएगा। बट इसके बीच में एक और सिनेरियो आता है, ये वाला जिसको मार्केट लेता है, यानी कि हायर लो बनाया मार्केट ने, ठीक है, ये मार्केट ने हायर लो यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ये चीज आपको कंसिडर करना है, ठीक है। यही चीज आपको कंसिडर करनी है क्योंकि यहाँ पे आपको एंट्री एंड एग्जिट में बहुत हेल्प करेगी ये चीजें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो अब आगे देखिए क्या है, थर्ड इमेज है, मार्केट अप गया, ठीक है, ये इनसाइडेड है, इस कैंडल ने मार्केट का क्या हुआ, पूरा का पूरा इनसाइड कैंडल है ये वाली, ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ, आई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ इसको शॉर्ट फॉर्म में, इनसाइड कैंडल है ये, ठीक है। इनसाइड होने के बाद मार्केट ने क्या किया, ये वाली कैंडल यहाँ पे क्लोज कर दी इसके डाउन में। अब जो भी नेक्स्ट कैंडल बनेगी अपने को इसका हाई ब्रेक ये हो गया, तो यहाँ से क्या हुआ, ये आपका एक कंप्लीट सिनेरियो बन गया बहुत अच्छा खासा, जिसमें आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी, आई थिंक,
राइट। तो यहां पे मार्केट ने आखिरकार किया क्या, आपका मार्केट अप गया, मार्केट डाउन आया, देन मार्केट अप गया, तो यहाँ पे आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये हो सकता है कि 2-3 मिनट टाइम फ्रेम में होगा आपका, कभी 5 मिनट में होगा, बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे भी आपको ये चीजें देखने को मिलेगी, जिसे आप एंट्री एंड एग्जिट प्लान वगैरह डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी, राइट। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या हुआ, आपका मार्केट यहां से अपसाइड में जाता है। ठीक है, देन मार्केट क्या करता है, एक यहाँ पर रेड कैंडल क्रिएट कर देता है। ठीक है, देन मार्केट अगेन यहाँ पे ग्रीन कैंडल। अब इसमें आप देखिए कि आपके मार्केट में जो भी रेजिस्टेंस, यानी कि लेटेस्ट जो पीछे कैंडल क्लोज हुई है, यानी कि सपोज करिए कि अभी टाइम हो रहा है 10 PM, ठीक है, 10 PM पे मार्केट ने एक कैंडल क्लोज कर दी, कौन सी वाली, ये यहाँ पे रेड कैंडल, ये वाली मार्केट ने कैंडल क्लोज कर दिया, ये मान लो। ठीक है, ये कैंडल मार्केट ने क्लोज कर दी, तो अब टाइमिंग शुरू हो गया 10 से लेकर 10:15 वाला। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल जो भी मार्केट में बनेगी वो 10:15 पे बनेगी, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो अपने को क्या करना है कि जो मार्केट है वो 10 पे जो कैंडल बनी थी उसका लो ब्रेक करे। ठीक है, उसका लो ब्रेक होना नेसेसरी है, और कब होना जरूरी है, सेम टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो कैंडल बनी यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया टाइम, और एक कैंडल बनी जिसने लेटेस्ट जो कैंडल बनी थी, यानी कि 10 बजे ये कैंडल बनी थी और 10:15 पे ये बनी, तो 10:15 वाली कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल यानी कि 10 जो बजे 10 बजे कैंडल बनी थी उसका लो ब्रेक कर दिया मार्केट ने। ठीक है, लो ब्रेक करने के बाद अब अपने पास दो तीन सिनेरियो आ जाते हैं, क्या कि सबसे पहली चीज तो ये हो गई कि मार्केट ने क्या किया कि 10 बजे वाली कैंडल जो है उसका लो ब्रेक कर दिया। अब 10 बजे वाली कैंडल का ही मार्केट को हाई ब्रेक करना पड़ेगा, अब वो चाहे सिंगल कैंडल में करे चाहे डबल कैंडल में करे, बट इससे नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो वो सारी चीजें, उसके बाद सेम सिनेरियो यहाँ पे हुआ, मार्केट ने क्या किया, कैंडल क्लोज कर दी। ठीक है, बट इसी कैंडल में यहाँ पे इसने मार्केट ने अप भी दे दिया, ये एक अच्छी खासी मार्केट ने कैंडल क्रिएट की, तो ये भी आपका एक पुल बैक हो गया। उसके बाद मार्केट यहाँ से आपका क्या करता है, हाई जाता है, देन मार्केट हल्का सा डाउन आता है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपकी एक रेड कैंडल फॉर्मेट हुई है, इस रेड कैंडल का मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे हल्का सा लो ब्रेक कर दिया, लो ब्रेक करने के बाद मार्केट अप गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब इस मार्केट में हुई तो यहाँ पे ये क्या हुआ, आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट बन गया। ठीक है, तो इस तरह आई होप आपको ये सारी चीजें करनी है, और वैलिड पुल बैक के 6 तरीके मैंने बताए, अगर ये तरीके आपको देखना आ गए तो आप कभी भी गलती या मिस्टेक्स वगैरह नहीं करोगे। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इस पर चार्ट वगैरह पे समझा देता हूँ ताकि इजी समझ आए। मान लीजिए आपका मार्केट कुछ इस तरीके से अप एंड डाउन हो रहा है, समझिए, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, ये एक ग्रीन कैंडल बनी आपकी। ठीक है, ये सेकेंड ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी आपकी। ठीक है, थर्ड ग्रीन कैंडल क्या होता है कि आपकी बनती है यहाँ पर कुछ इस तरीके से। अब थर्ड जब ग्रीन कैंडल बनी तो यहाँ ग्रीन कैंडल ने क्या किया कि ये जो विक थी इस विक को ब्रेक कर दिया, इस विक से इस कैंडल को, और ये जो कैंडल थी ये बनी थी 10 PM पे, ये वाली कैंडल, यानी कि ये कैंडल 10 PM पे और ये जो कैंडल बनी है ये बनी है 10:50 पे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये कैंडल बनी है 10:50 पे, ये 5 मिनट पे जो भी आप समझे, 10:50 पे कैंडल बनी, तो इसने लो को तो ब्रेक कर दिया, अब बारी है हाई ब्रेक करने की। तो अगली कैंडल जो भी बनेगी, यानी कि 10:30 वाले, तो 10:30 वाली जो कैंडल अपनी बनी, 10:30 ने क्या किया, इसके हाई को ब्रेक कर दिया, तो अब अपना एक पुल बैक हो गया। अब इस पुल बैक को आप कैसे मार्क करोगे, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। आपको क्या करना है कि जब ये पुल बैक मार्क करना है तो ये हाई ऐसे गया, तो ये कैंडल क्या हुआ, डाउन आई, तो इसने लो ब्रेक कर दिया, तो ये पुल बैक इस तरीके से हुआ, देन इसने क्या किया, हाई को ब्रेक कर दिया कैंडल ने 10:50 को, 10:30 को सॉरी, तो ये आपका ब्रेक हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, बॉस। ठीक है, आई होप आपको पुल बैक का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा अपन चार्ट पे चलते हैं, एंड चार्ट पे ये सारी चीजें अपन देखते हैं, तो इजी वे में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन वगैरह भी नहीं रहेगा, और चार्ट पे इजी वे में सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो अपन चार्ट यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, कोई सा भी एक। ठीक है, यहाँ पर अपन कोई सा भी एक चार्ट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब चार्ट अपन ने ओपन कर लिया, इसको अपन 5 मिनट पे रख लेते हैं।
ठीक है, अब देखिए इसमें पुल बैक अपन डिसाइड करेंगे कि पुल बैक कहाँ पे है और क्यों है और कैसे है। ठीक है, मैं सबसे पहले हाई वाला पुल बैक आपको बता रहा हूँ, देन अपन लो पे चलेंगे फिर। तो सबसे पहले अपन यहाँ बॉटम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बॉटम से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। तो ये जो ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल, इससे अपन बात शुरू करेंगे। ठीक है, तो ग्रीन कैंडल ने क्या किया, लो ब्रेक कर दिया यहाँ पे, बट कैंडल क्लोज नहीं की, सिर्फ वीक ब्रेक किया, अगली कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई। ठीक है, आप इसे डोजी, हैमर या कैंडल, जो भी आप समझ के यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें मेन एंट्री आपने यहाँ पे ले ली है, अब अपन बात करते हैं पुल बैक कहाँ हुआ है। आपका मार्केट यहाँ से पूरा का पूरा अपसाइड जा रहा था, नो डाउट, लेकिन क्या हुआ कि ये जो रेड कैंडल यहाँ पे ये बनी है, रेड कैंडल ये वाली, ठीक है, यहाँ पे आके मार्केट ने क्या किया कि सोचा कि थोड़ा सा डाउन देते हैं, लेकिन मार्केट दे नहीं पाया। ठीक है, मार्केट क्या किया, वापस अप ले गया, अदरवाइज मार्केट का क्या होना चाहिए था कि इस लो को ब्रेक करे, क्योंकि यही इसका लो पॉइंट था, बट मार्केट ने क्या किया, इस लो को ब्रेक नहीं किया। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, इस लो को ब्रेक नहीं किया। अब जब इस लो को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, तो मार्केट को क्या होना चाहिए था कि इस लो को अगर ब्रेक कर देता तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, बट मार्केट ने जब इस लो को ब्रेक नहीं किया, तो यहां पर ये एक रेड कैंडल बना के मार्केट ने फॉर्मेट किया। अब इस रेड कैंडल में क्या हुआ कि आप देखिए कि अगला जो कैंडल बना, वो बना तो ग्रीन ही, ये वाला कैंडल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है, ये बना तो ग्रीन, बट इस लो को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ठीक है, यहां पे देखिए इसने मार्केट को लो को ब्रेक कर दिया, तो ये आपका प्रॉपर जो है, यहाँ पे पुल बैक नहीं है। पुल बैक होने के लिए अपने को यहाँ पे कैंडल का क्लोज होना नेसेसरी था, बट ये क्या होगा, हाई, मार्केट आया लो बनाया, देन ये हाई बनाया, देन ये अगेन लो बनाया। इसलिए अगर ये रियल पुल बैक होता तो यहाँ मार्केट ये नहीं आता ही था। ठीक है, रियल पुल बैक आपका ये हो गया, यहाँ पर ये रियल कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने किया क्या कि आपका जो मार्केट है, मार्केट ऐसे गया, कुछ ऐसे आया, देन ये वाला मूव लिया। ठीक है, उसके बाद ये लेता है मूव, एंड अगेन मार्केट अप जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, तभी आप कंसीडर कर पाएंगे कि एक्चुअली मार्केट में चल क्या रहा है। अब मार्केट ने नेक्स्ट मूव क्या किया कि मार्केट डाउन आया। अब डाउन आने के बाद मार्केट अप गया, तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया कि इस कैंडल की लिक्विडिटी ले ली है। ठीक है, मार्केट ने इस कैंडल की लिक्विडिटी ली, तो यानी कि हाई पॉइंट ये कंसीडर हो गया। अब कैंडल को क्लोज होना भी जरूरी है, तो यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हो गई, तो ये क्या हुआ, ये आपका पुल बैक ऐसा हुआ। फिर मार्केट डाउन आया, अप गया, डाउन आया, अप गया, ये कुछ इस तरीके से आपको इनको मार्किंग वगैरह करनी होगी। ठीक है, अगर ये मार्किंग आप प्रॉपर तरीके से करते हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि आपने बहुत कुछ चीजें यहाँ से सीख ली है, क्योंकि इस मार्किंग के बेस पे ही काफी सारी चीजें डिसाइड होती है, जो कि मैं आपको भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अब जब आप ये जोन मार्किंग कर लेते हैं, तो जोन मार्किंग करने के बाद एंट्री एंड एग्जिट प्लान वगैरह कैसे आपको लेना है, वो सारी चीजें भी अपन देखते हैं अभी। ठीक है, अब यहाँ पे टॉप एंड बॉटम को पकड़ना है आपको। ठीक है, टॉप एंड बॉटम को कैसे पकड़ना है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो पूरा एरिया आपका बना था, ये वाला, ठीक है, इसने आपको हाई लो एंड मार्क कर लिया। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे आपको जो ये हाई एंड लो वाला जो एरिया है, इसको कंसीडर करना है, क्योंकि मार्केट क्या होगा, यहीं पे आपका मेन है, जिसको अपने को एंट्री एंड एग्जिट का डिसाइड करना है। ठीक है, तो अब आप क्या करिए कि अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आप जा रहे हैं, अगर आपको चीजें नहीं आती है इतनी समझ में, तो आपको अगर ये होता है कि पुल बैक क्या होता है, क्यों मार्केट यहां से ये डाउन आया, ठीक है, अगर आपको आइडिया होता है कि ये मार्केट इस कैंडल को क्लोज करके यहाँ नीचे क्लोज कर दिया, ठीक है, ये पुल बैक हो गया आपका, तो पुल बैक के बाद आपकी ये डोजी कैंडल है या हैमर कैंडल है, तो कहाँ से एंट्री प्लान करना है ताकि मार्केट इसको ब्रेक करे, तो यहाँ से अपन 8, 10, 20, 25 जो भी पिप्स आपको मिले, आप उसको कलेक्ट कर सके, तो उसके लिए मेन पुल बैक का प्रयोग किया जाता है, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज ये कि आपका जब भी पुल बैक होगा, मार्केट लेने आएगा, तो वहां पे क्या करेगा कि मार्केट इल्यूजमेंट लेने का ट्राई करेगा। ठीक है, इल्यूजमेंट मार्केट इसलिए लेता है क्योंकि अगर मार्केट इल्यूजमेंट आपका लेगा, देन आपका हाई तभी कंफर्म होगा,
अदरवाइज आपका हाई कंफर्म ही नहीं होगा। ठीक है, हाई कंफर्म ही नहीं होगा, क्योंकि फिर तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मार्केट जाकर आ रहा है। ठीक है, सेम चीज यहां से देखते हैं, मार्केट ये हाई गया, ये लो आया, और ये आपका हाई यहां पे हुआ। ठीक है, बट इसका लो पॉइंट है ही नहीं, तो इसको डायरेक्ट कंसिडर करते हैं, ये आपका लो पॉइंट हुआ, देन उसके बाद ये वाला हाई हुआ, ये आपका लो हुआ और ये हाई हुआ। अब समझिए कि स्टार्टिंग आपने यहां से की थी, ये लो पॉइंट समझ लीजिए, तो पहला आपका जो पुल बैक था वो ये आपने कंसिडर किया था, ये वाला जोन आपका मार्केट यहीं से गया है। ठीक है, सेम चीज मैं पहले भी आपको यहाँ पे बता रहा था कि जब आप इस चीज को ले रहे थे, यहाँ पे आप हाई लो मार्क कर रहे थे, तो ये वाला पॉइंट प्लस ये वाला पॉइंट, इसके बीच में ये ऑर्डर ब्लॉक का काम किया, देन यहीं से आपका मार्केट गया। ठीक है, तो ये कुछ चीजें होती है जिनको आपको पहचानना बहुत जरूरी होता है, अगर इन चीजों को आप करोगे नहीं प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा वैलिड पुल बैक क्या होता है। अब इनवैलिड पुल बैक की तरफ अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।